टूलकिट और तेजस्वी कनेक्शन पर राजनीति तेज है। दरअसल बिहार में शिक्षकों का घोर अभाव है। अगर आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2-3 क्लासेस को एक साथ बिठाकर शिक्षक क्लास लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में टीचर नहीं है। सालों पुरानी लाखों की संख्या वाली बहाली भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में अटकी हुई है, जिस वजह से हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षक या 94,000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा भी अटका हुआ है, इनका नियोजन नहीं हो पाता है। और जब हाईकोर्ट में बहाली के पूरे मसले पर सुनवाई होनी होती है तो ठीक उसे 2 दिन पहले चीफ जस्टिस को कोरोना हो जाता है, और जिस वजह से पूरा मामला और आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक या बिहार एसटीटी के तहत बहाली भी लगातार रिजल्ट घोषित होने के बाद भी अटकी हुई है। इंतजार कर रहे लोग कि नौकरी मिल जाए, नियोजन हो जाए, वहां भी मामला अटका हुआ है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की टीचर की बहाली का जो मामला है वो कोर्ट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली नहीं हो पा रही है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी बहाली कब होगी। इन सब के बीच जब बिहार में लॉकडाउन लग जाता है तो बहाली के इंतजार में, नियोजन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपनी मांगों को लेकर ट्वीट करने लगते हैं। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि #BiharNeedTeachers सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाता है, और जिसके बाद तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हैं। उसके बाद एक बात उठने लगती है कि क्या इसका कोई टूलकिट कनेक्शन है। चलिए इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चल रही है, आइए सुनते हैं। सोशल मीडिया पर ये मामला हाइप कर रहा है, अब वो अभ्यर्थी है, सवाल पूछेंगे, और हमारा जवाबदेही बनता है, सरकार की जवाबदेही बनती है कि हम उनके सवाल का जवाब दें। टूलकिट का प्रयोग कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है, हमारा जवाब दें। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो टूलकिट का प्रयोग कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है, हमारी पूरी सिंपैथी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो यह जो पूरा टूलकिट का प्रकरण हो, चाहे वो किसान आंदोलन के समय हो या इस कोरोना काल में हो, लगातार कांग्रेस पर सीधे आरोप पूरे मामले पर लगते आए। अनुसंधान के बाद सभी तथ्य सामने आ पाएंगे, लेकिन प्राइमा फेशिया दिखता तो जरूर कुछ है कि दाल में काला है। पूरे मामले में बिहार के ट्विटर बॉय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी कूद पड़ते हैं। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के एक और बड़े फ्लॉप विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं, और इनके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन चीजों को ट्विटर पर ट्वीट रिट्वीट करके प्रमोट करने की कोशिश जरूर करते हैं। पिछले 2 वर्षों से नियोजन की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार बेरोजगार नौजवानों के समर्थन में हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। पहले भी जब धरना दिया गया था तो तेजस्वी यादव जी गए थे समर्थन में, और अभी भी सोशल मीडिया पर जब मुहिम चलाई जा रही है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, तो इसको टूलकिट का करके सरकार नहीं बच सकती है। जब सड़क पर कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए बैनर का इस्तेमाल होता है, पोस्टर का इस्तेमाल होता है, जो नारे लिखे जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, ताकि जन जन तक उस आंदोलन को पहुंचाया जा सके। यदि अन्ना हजारे, बाबा रामदेव या किसी और बड़े समाजसेवी उस आंदोलन में बैठ जाते हैं तो आंदोलन की धार और तेज हो जाती है। इसी तरह अगर हमको सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है तो वहां हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा फॉलोइंग वाले किसी अकाउंट से अगर आपकी मांगों को ट्वीट रिट्वीट कर दिया जाए तो मांग जो है वो और जो नारे लिखे जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, ताकि जन जन तक उस आंदोलन को पहुंचाया जा सके। यदि अन्ना हजारे, बाबा रामदेव या किसी और बड़े समाजसेवी उस आंदोलन में बैठ जाते हैं तो आंदोलन की धार और तेज हो जाती है। इसी तरह अगर हमको सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है तो वहां हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा फॉलोइंग वाले किसी अकाउंट से अगर आपकी मांगों को ट्वीट रिट्वीट कर दिया जाए तो मांग जो है वो और प्रभावशाली तरीके से ट्रेंड करने लगती है। और इसी पूरी कवायद को जब किसी मांग को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने के लिए या पॉपुलर बनाने के लिए पूरी तैयारी की जाती है, पूरा एक ग्रुप काम करता है, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, पूरी प्लानिंग होती है, तो उसे टूलकिट कहा जाता है। टूलकिट तब तक गलत नहीं है जब तक ये देश के खिलाफ ना हो या देश की छवि धूमिल ना कर रहा हो। अगर किसी जन्मदिन मांग को लेकर अगर आप कोई ट्वीट करते हैं, किसी पॉपुलर हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। और अपनी उन्हीं मांगों को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सोशल मीडिया पर,
मुखर है और इसका टूल किट कनेक्शन निकाला जा रहा है। बता दें कि इनकी मांगे जेन्युइन है और लगातार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ये अपनी मांगों को लेकर मुखर है। सबसे बातचीत की जाती है, बिहार तक की टीम शिक्षा मंत्री से भी बातचीत करती है, लेकिन शिक्षा मंत्री भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि बहाली कब होगी। और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर अगर ये सोशल मीडिया तक ये अपनी मांगों को लेकर मुखर है सबसे बातचीत की जाती है बिहार तक की टीम शिक्षा मंत्री से भी बातचीत करती है लेकिन शिक्षा मंत्री भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि बहाली कब होगी। और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर अगर ये सड़क के बाद लॉकडाउन के दरमियान सोशल मीडिया पर अगर अपनी मांग रखते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? देखिए, हम लोग एक आम TET STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हमारी संख्या लगभग 1.5-2 लाख के आसपास में है। वर्षों से हम अपनी नियुक्ति की मांग सरकार से रख रहे हैं। इस क्रम में कई बार हम लोगों ने गर्दनी बाग में आंदोलन भी किया जिसमें सरकार के द्वारा हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई और कोड़े आश्वासन के अलावा और कुछ हासिल हमें नहीं हो पाया। अब इस लॉकडाउन में नियमों का पालन करते हुए हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं है तो हम घर बैठे डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेनिंग के द्वारा अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट डे हम लोगों ने #BiharNewsTeacher के द्वारा अपनी माओ को सरकार तक पहुंचाया है। अब अगर हमारे हैशटैग का प्रयोग कोई भी करे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग करें, चाहे विपक्ष के लोग करें, चाहे जीतनराम मांझी जी करें, चाहे तेजस्वी यादव जी करें, चाहे स्वयं शिक्षा मंत्री जी करें या स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे, तो उनके ट्वीट को हम लोग रिट्वीट और लाइक तो जरूर करेंगे। ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें कोई मोटिव नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, आपसे बिहार के आवाम को, बिहार के नौजवान को, बिहार के छोटे छोटे बच्चों को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति आप क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है जिसके वजह से आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जब शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पे जाते हैं तो आप झूठे आश्वासन देकर उनके आंदोलन को खत्म कर देते हैं। जब वो रोजगार की बात करते हैं, जब वो नियुक्ति की बात करते हैं, तो आप झूठे कानून के हवाला दे देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इन शिक्षकों की नियुक्ति से न केवल इनका रोजगार सृजन होगा बल्कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने करोड़ों बच्चे के भविष्य इन नवनियुक्त शिक्षकों पर आधारित रहेगा। तो कम से कम रोजगार सृजन नहीं तो बिहार के आने वाले करोड़ों बच्चे के भविष्य को हित में रखते हुए इन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति अवश्य कीजिए और अति शीघ्र कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षक और छात्र का अनुपात सही नहीं है। अब भी 4 लाख सीट शिक्षकों का खाली है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है। ऐसी स्थिति में आप 16 साल के मुख्यमंत्री हैं, आपका दायित्व बनता है कि बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करें। अब बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य है, बिना शिक्षक के शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हो। तेजस्वी यादव कई बार इस मुद्दे पर ट्वीट कर चुके हैं और जब सड़क पर भी 94,000 शिक्षक अपनी बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर थे, जब बिहार पुलिस ने उनको आंदोलन करने से मना कर दिया था, उस वक्त भी तेजस्वी यादव इन अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हुए थे मतलब साफ है कि चाहे बिहार तक की टीम हो, तेजस्वी यादव हो या ये नियोजन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी क्यों ना हो, सबकी इच्छा है कि इनकी बहाली हो जाए। इनफैक्ट आप सत्ता पक्ष से भी जब पूछिएगा कि क्या बहाली कब होगी तो वो भी कहते हैं कि भाई हम भी तो चाहते हैं बहाली हो जाए, लेकिन बहाली हो नहीं रही है कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से। तो इसलिए अगर कोई इस बहाली के मुद्दे पर ट्वीट करता है, रिट्वीट करता है, लाइक करता है, पोस्ट करता है, शेयर करता है, तो ये कहीं से भी एंटीनेशन नहीं है, इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। मांग जेन्युइन है और इंतजार है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगें पूरी हो जाए।